हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ क्लास सेवेंथ एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है सेटअप इक्वेशन। पहले आपको इक्वेशन के रूप में सेट करना है क्वेश्चन को एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर। और जो नंबर आपको ज्ञात नहीं है उस नंबर को फाइंड करना है इन द फॉलोइंग केसेस। नीचे दिए गए प्रत्येक केसेस में आपको पहले इक्वेशन सेटअप करना है, फिर आपको उस अननोन नंबर को सॉल्व करना है। ये नंबर क्वेश्चन है आपका एड 4 to 8 times a number you get 60। सॉल्व फर्स्ट का ए एड 4 to 8 times अ नंबर। सपोज द आपको आपके पास कोई नंबर एक्स है और उसका 8 टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8x। और उसमें क्या करेंगे 4 को एड कर देंगे तो 8x प्लस 4 मिल जाएगा और इक्वल टू 8x प्लस 4 करने पर आपको क्या प्राप्त होता है 60 प्राप्त होता है। तो सॉल्व फर्स्ट ए में लिखेंगे लेट अस द नंबर इज नंबर इक्वल टू एक्स। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है 8 times ऑफ द नंबर। सपोज द ये नंबर है एक्स है, इसका 8 time करने के लिए बोला है 8 into x। ओके, एंड एड करने के लिए क्या बोला है एड 4। 8x में 8 को क्या बोला 8 times ऑफ ए नंबर x का 8 times 8x लिखेंगे एंड एड 4 मतलब 4 को एड कर दिए तो आपको क्या मिला यू गेट 60। आपको मिलता है 60। इसको आप क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 8x प्लस 4 इक्वल टू 60। कितना आ गया आपका। अब इसने आपको बोला है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कीजिए, सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर, सॉल्व करके अननोन नंबर भी निकालना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्लस 4 है, क्या है प्लस 4 है, ये 60 है। तो फर्स्ट कंडीशन में मैंने बताया था जब आप ऐड का साइन देखेगा तो आप बॉक्स साइड में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 4 टू बॉथ साइड। सब्ट्रैक्ट 4 टू बॉथ साइड, दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट 4 करेंगे 8x प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू 60 माइनस 4। अब आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे 4 का सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है x की वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि हमें इस समय का जो इक्वेशन है इसको बैलेंस बना बैलेंस में करना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन है कि यहाँ एड का साइन है तो हम बॉथ साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8x इक्वल टू आपको क्या मिला, अब 4 में 4 का सब्ट्रैक्शन हुआ तो 0 मिलेगा 8x प्लस 4, 60 में 4 माइनस होंगे तो आपको क्या मिलेगा 56 मिलेगा, मिला 8x इज इक्वल टू आपको क्या मिला 56 मिला। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 हमारा मल्टीप्लाई में है और ये 56 है तो हम क्या करते हैं बॉथ साइड में 8 का डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज जो 8 है वो वेरिएबल साइन के साथ मल्टीप्लाई में है। इसलिए बॉथ साइड क्या करेंगे बॉथ साइड डिवाइड 8 का डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8x अपान 8 इज इक्वल टू 56 अपान 8।
एट वन जा एट कैंसल हुआ, एट वन जा एट, एट सेवन जा 56, तो हमें x की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 7। तो ये हमारा 4.4 का फर्स्ट का फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ। ऐसे आपको बी नंबर बोला है, 1/5 ऑफ नंबर माइनस 4 गिव 3। कोई नंबर है, मान लीजिए आप वेरिएबल y ले लिए, अब y में आपको क्या बोला है, या x ले लिए या y ले लिए, कोई भी नंबर ले लिए, उसमें 1/5 है, तो 1/5 y हो जाएगा। माइनस 4 करने का 1/5 y माइनस 4 इक्वल टू 3, ये तो हमारा इक्वेशन हो गया। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, उनका सॉल्वेशन करना पड़ेगा, जो सेकंड बी नंबर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर सी बुक देखता हूँ थोड़ी। सी नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, सी नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है उसका हम 3/4 पार्ट ले लिए एंड ऐड 3, उसमें ऐड हम क्या कर दिए, 3 ऐड कर दिए, तो आई गेट 21 मिल गया, तो मुझे कितना पार्ट प्राप्त हो रहा है, 21। तो आप लिखेंगे, ये फर्स्ट नंबर तो कर लिए होंगे सॉल्व। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर में 1/5 ऑफ द नंबर था, तो आप x इंटू 1/5 की हाइट ले लेंगे या y इंटू 1/5 ले लेंगे, माइनस 4 कर देंगे और आंसर में आपको क्या मिल जाएगा, यू गेट 3 बोला है, तो आपको गिव 3 मिल जाएगा और इक्वल कर देंगे, बैलेंस बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसका फर्स्ट का मैं सी बता देता हूँ, सी नंबर क्वेश्चन में इसमें आपको बोला है, If I take 3/4 of a number, if I take 3/4, 3/4 को इस तरह भी लिखते हैं, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ आपको, 3/4 of a number, of a number add and add 3/4 of a number and add 3 to it, I get 21. If I take 3/4 of a number, suppose तो हमारे पास कोई नंबर है उसका 3/4 पार्ट हम ले लेते हैं, तो सॉल्व सी में हम कोई नंबर क्या ले ले, ए ले ले, बी ले ले, सी ले ले, एक्स ले ले, वाई ले ले, जेड ले, चलिए हम वाई का सिलेक्शन करते हैं, तो सॉल्व में लिख सकते हैं कोई भी वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है, लेट अस नंबर, अ नंबर इक्वल टू, मैंने ले लिया वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार, अब इसमें बोला है इस वाई का कितना करना पड़ेगा हमें, वाई इंटू 3/4, वाई का 3/4 आपका नंबर पूरा था, प्लस इसमें बोला है एंड नंबर एंड एड 3, और इसमें 3 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 21। इसको हम लिख क्या सकते हैं, 3/4 वाई, 3 इंटू 3/4 क्यों बोले, क्योंकि इसमें 3/4 ऑफ ए नंबर, एक नंबर अगर वाई लिए तो वाई का 3/4 बोल करने के लिए बोला, इसलिए हम वाई इंटू 3/4 ही लिए हैं, प्लस 3, इसमें प्लस 3 क्यों आया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि एड 3, जब नंबर ले लेंगे तो उसमें 3 का एड करना है, आई के 21, जब इन 3 इसका एड कर दिए 3 का, तो हमें कितना मिलता है, हाउ मेनी नंबर्स, 21 मिल रहा है, 3/4 y प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या राइट है, 3 है, आप लिख लीजिए 3 प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 21। अब अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे वेरिएबल्स के,
यहाँ पे 3 ऐड पे है तो बोथ साइड क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3, लिखेंगे बोथ साइड सब्ट्रैक्ट 3, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे आ नहीं रहा, मैंने डॉट लगा दिया, पूरा लिख लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट 3, 3/4y + 3, अब बोथ साइड में सब्ट्रैक्ट करना, LHS में भी करेंगे, RHS में भी करेंगे, तो 3/4y, 3 में 3 माइनस हुआ तो क्या आया 0, प्लस 0=21 में 3 माइनस होगा तो क्या आएगा 18 आएगा। अब 3/4y मिल गया है तो क्या करेंगे, बॉक्स साइड में कर दीजिए मल्टीप्लाई y 4/3 का, तो लिख लीजिए क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4/3 बॉक्स साइड, मल्टीप्लाई बाय 4/3, सॉरी 3/4 है ना, 4/3 का करेंगे बॉक्स साइड, तो क्या मिला 3/4 था, तो मैंने y था तो इसमें 4/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 18 में भी 4/3 का कर दिया, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 3, 4 से 4 कैंसिल, 4 1 4, लास्ट में हमें y बस बच गया, इसको 3 से कट कर देंगे, 3 1 3, 3 6 18, 6 का 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 × 4 मिल गया, 6 × 4 6 × 4 जे कितना मिलेगा आपको, 6 × 4 = 24, तो y की वैल्यू आपको कितना मिली 24, और 24 में अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 6 जा क्या हो जाएगा 24, 6 3 18 3 21 आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्या हुआ, क्लास 7th का एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट नंबर का ए नंबर बी नंबर एंड सी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर डी ई एफ एंड जी पढ़ाऊंगा फर्स्ट का जी। इसी के साथ आज की क्लास हमारे खत्म कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें, अंत तक अवश्य देखें, और वीडियो के में बताए गए क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन को समझें, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।